बरसों से अपने बेटे मोहन बेगा की अस्थि लेकर लगभग हर एक कार्यालय के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन इस 90 वर्ष की महिला को अभी तक अपने बेटे के हत्यारों को सजा नहीं दिला पाई। वहीं प्रशासन महिला की बातों को अनसुना किए जा रहा है। इस आदिवासी महिला के आगे पीछे कोई नहीं है। वह महिला का कहना है, यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह तालाब में डूबकर अपने बेटे की अस्थियों के साथ जान दे देगी। घर में नहीं रहे हो ऐसे बताएं सबको, तो मैं कहूँ कुछ नहीं हुआ, मोर लड़का घर में है, कैसन की हुई, तो कहूँ वो अभी पानी कल दौलन माने। अभी आप यहाँ किससे मिलने आई हैं? कितने साल का केस हो गया? अभी तक सुनवाई हुई कि नहीं ये बताएं। अबे हमारे सुनवाई काउंट नहीं भाई, कैसा लग गया ये मामला? अब 11 साल पूछ गए। 11 साल से आप कहाँ कहाँ जा चुकी हैं शिकायत? मैं तुम्हार जबलपुर गए हूँ और भोपाल गए हूँ, दिल्ली जा देखे हूँ, अब यहाँ तुम्हारे साथ डोल तो मैं आयन। हाँ, 70 फीट क्या नाम है आपका? रतनी बैगा बकी। मुद्दे तो हमारे 4-5 है, लेकिन ये माताराम की बात है जहाँ तक। तो इसका लड़का 20/4/2008 को पानी के आंदोलन के समय ख़त्म हो गया था। वो पानी का आंदोलन था बकही गांव में, जहाँ कालरी का खोदा हुआ गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। तो गर्मी जब आया, पानी कम हुआ सोन नदी में, कंपनी को पानी कम लगा, तो उन लोगों ने वहाँ डीजल पंप लगा के और 6-7 ठो ट्रक टैंकर लगा के वो पानी ले जाने लगे। तो गांव के कुछ जागरूक लोगों ने मतलब ज्ञापन ओपन दिया और इसके लड़के को मिला कर साथ में, और वहाँ आंदोलन शुरू चालू करवा दिया। तो 1-2 दिन तो वो रोक के रखे, लेकिन 20/4/2008 के दिन जो है तो 11-12 बजे तक रोक रखे थे, लेकिन 11-12 बजे के बाद इसका लड़का जब गया तो पंप को बंद कर दिया। तो वहाँ जो गार्ड ऑपरेटर थे उन लोगों ने उसको मार के वहीं पानी में डाल दिया, और फिर 24 घंटे लाश नहीं निकाले। 24 घंटे बाद दूसरी पुलिस आई। जब दूसरे दिन जो आंदोलन में थे पुलिस, वो लोगों ने तो वहाँ मामला ख़त्म करने की मतलब प्लान बना लिया, और उसको जो है डूब कमरा घोषित करने के लिए